वेलकम टू उत्तर प्रदेश। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस को संबोधित करने का कष्ट करें। मित्रों, मैं अपने सहयोगियों औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना, हमारे प्रदेश के एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन के मिनिस्टर श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, हमारे अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर श्री आशुतोष टंडन समेत अपने सभी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस कोविड-19 के कालखंड में भी आप सब मेरी इस वीसी में इतनी भारी संख्या में आए हैं, हृदय से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मेरा यहां पर आगमन विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतर सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा से ही मैं यहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ आया। आज यहाँ पर बीएससी में उत्तर भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड हम लोगों ने जारी किया है और उसे जारी करने के लिए ही मुझे यहाँ पर आज मुंबई में जो बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन था उस कार्यक्रम में सहभागी होना था, लेकिन इस आयोजन के साथ ही ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है, क्योंकि यह उत्तर भारत के किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया पहला बॉन्ड है। नगर निकायों की कार्यपद्धति में रिफॉर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्रांतिकारी कदम ये है। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी बल्कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे हम बढ़ा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का मैं पहला सीएम हूं जो बीएससी में आकर के किसी अपने संस्थान के बॉन्ड जारी कराने के लिए वहाँ पर आया हो, और इसलिए ये मेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए भी आज का क्षण वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जनता की बेहतर बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसके लिए मुझे यहाँ पर आना था। इस आयोजन में मैं सहभागी बना ही साथ ही साथ अन्य आयोजन और अन्य कार्यक्रमों को भी इसके साथ में समेट लूं, इसीलिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने यहाँ पर इंटरैक्शन किए हैं, कुछ सेटिंग की हैं। इसमें खास तौर पर प्रदेश के अंदर एक तो जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बढ़ी, इसका परिणाम है कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। तो अपने उन निवेशकों और उद्यमियों के साथ उत्तर प्रदेश में तो हम संवाद बनाते ही हैं, मुंबई में भी उन लोगों के साथ एक संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ और वे उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, शासन की कार्यपद्धति में जो पारदर्शिता और जो शुचिता प्रदेश के अंदर आई है उसके लिए और अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं और इस दिशा से उन लोगों से हमारी काफ़ी अच्छी चर्चाएं यहाँ पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उन सब के साथ यहाँ पर आज हुई है। दूसरा कार्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है और मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से यानी आगरा की दूरी यहाँ से 1 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाने का बेहतर साधन एक्सप्रेसवेज भी है और एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ से प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर एक ओर से जोड़ने के लिए एक बेहतर साधन यहाँ पर होगा और जो रुचि वहाँ पर दिखाई है फिल्म जगत की हस्तियों ने, वह बहुत एक अच्छा साइन है। मैं इसके लिए उन सभी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, सबका धन्यवाद भी करता हूं। प्रदेश के अंदर जो चौथा जो कार्य हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं वह है 2018 में जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। इस इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अंदर जो निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा था उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए प्रदेश के अंदर 6 नोड्स तैयार किए गए थे। इसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सब को लेकर के हम लोग डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टेक्नोलॉजी के भी और नॉलेज के भी बेहतर पार्टनर के रूप में आईआईटी कानपुर है, आईआईटी BHU है और भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। MSME सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा MSME की जो यूनिट्स हैं वो UP के पास मौजूद हैं और कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10.5 लाख से अधिक MSME यूनिट को बैंकों के साथ सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त की, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया एक्सप्रेसवेज का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर क्रिएट हुआ है या हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, उन सब में अभिवृद्धि करने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से योगदान दे सके, इस दिशा प्रदेश सरकार के द्वारा ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमें जनता की बेहतर सुविधा भी देनी है, हमें उसे कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचाने में भी योगदान देना है, हमें जनता के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के कार्यक्रम के लिए फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जेवर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे फिल्म सिटी ही नहीं बन रही है, वहाँ पे एक फिनटेक सिटी भी बन रही है और वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी होंगे और इन सब के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हम लोगों की विजिट हो रही है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थिति में है। कोरोना की पॉजिटिविटी या फिर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को, सीएफआर को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई। हर एक व्यक्ति की निःशुल्क जांच, हर एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के साथ ही अब अधिक से अधिक निवेश हो और निवेश के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाने के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, इस दिशा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सब कोरोना कालखंड में भी हमारे इस कार्यक्रम के बड़े उत्सुक बने रहे और आज इस मेरी इस पीसी में भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे संक्षेप में आपको ये जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत सारे हैं। ओके, देयर इज वन लेडी, लेट्स गिव हर अ चांस। या बोलिए माइक। हाँ जी, हाँ और वहीं पर अब जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी विषय पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे। और सर, इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी चीज़ को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहाँ पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए ना बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दिशा से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और उसी इकोनॉमी की दिशा से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपने सेक्टोरियल पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रख करके ही कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत भी साफ हो, ये भी बहुत इस पर निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं आया था, तो मैंने कहा म्यूनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी यहाँ से, योगी जी मैं दिनेश मौर्या। अरे एक मिनट, ऐसे सब बोलेंगे तो कुछ सुना ही नहीं देगा। एक सवाल यहाँ से। योगी जी मैं दिनेश मौर्या बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी से। कहाँ से बोल रहे हैं? योगी जी दो सवाल है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है, इस बारे में जरूर विचार करें। और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे ही कोई इसे छीन कर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज़ दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और 24 करोड़ की आबादी को हर प्रकार से निवेश, जॉब क्रिएशन के लिए और रोजगार के लिए भी इसीलिए सब किए जा रहे हैं, ये सभी प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति मनरेगा में ही काम नहीं करता है, उसके पास अपनी विशेषज्ञ होती है, अपनी रुचि होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं। और उत्तर प्रदेश याद रखना कोरोना कालखंड के अंदर सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक जॉब क्रिएटर स्टेट भी है। 1,25,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ इस दौरान जॉब दी हैं और इसको हम लोगों ने किया है। इसलिए उन कार्यक्रमों को लेकर के हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर सर, दो सवाल सर। सबसे पहला सवाल ये है सर, आप आज काफी इंडस्ट्रियलिस्ट से यहाँ पे मीटिंग भी की आपने। एक आप हमें बता सकते हैं कौन से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपसे कमिट किया गया है, कौन से सेक्टर्स है? और दूसरा सवाल सर, आप फिल्म सिटी यूपी में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, किस तरीके का इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा ताकि वहाँ पे पब्लिक डोमेन में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज़ बनाई हैं। उन पॉलिसीज़ के अंतर्गत हर निवेशक आकर के वहाँ पे निवेश कर सकता है और निवेश कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जिन निवेशकों ने प्रदेश के अंदर पहले से निवेश किया है उन सभी निवेशकों के साथ मेरा एक तो यहाँ पे संवाद था। दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो लोग वहाँ पे निवेश कर रहे हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसमें अडानी डिफेंस है, LNT डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, हिंदुजा है, सीमेंस है, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ भी हमारी यहाँ पे बैठक थी और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। फिल्म सिटी के लिए भी क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की आज की ज़रूरतें क्या हैं, इन ज़रूरतों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए देश के अंदर सबसे अधिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 700 के आसपास हमारे पास अर्बन बॉडीज़ हैं। लगभग 8 करोड़ की आबादी हमारी अर्बन बॉडीज़ में निवास करती है। उनकी बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास शासन स्तर पर होने चाहिए, उसमें उत्तर भारत का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ बना है जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। तो ये एक साथ ये प्रक्रिया, क्योंकि लखनऊ के बाद गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद के बाद फिर हम अन्य म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे न केवल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्यपद्धति में शुचिता और पारदर्शिता दिखे, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक भाव भी हर कॉरपोरेशन के अंदर पैदा हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। ये इसके पीछे की मंशा है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के दिशा में कि हम बेहतर सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। धन्यवाद जी। थैंक यू।